बुखार हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो बोल दीजिए। अमरीश की इतनी सुंदर बीवी, ये तो बला की खूबसूरत है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ भूल गए क्या? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो, देखो उसके कमरे का क्या हाल किया है।
ये सब उसके दिमाग का वहम है ना, तो मेरी दी हुई दवाइयाँ खाती है पर ना ही किसी ट्रीटमेंट के लिए राजी होती है। तुम लोग घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। सर मैं कल काम करूँगा। अरे तुम ड्राइविंग के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी संभालते हो, ऐसा कैसे करेंगे? वो क्या है ना सर, मेरी बीवी का 4-5 दिन से अलग ही बनता हूँ। क्या मतलब? कुछ उसके सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुए हैं जिसके फॉलोवर बढ़ गए। जब देखो तो फिल्मों में हीरोइन बनने की जिद करती है, जब मैं उसे समझाता हूँ तो मुझे छोड़ देने की जिद करती है। आप मैं परेशान हूँ। मैं काम करूँ, तुम उसे अपनी क्लिनिक में, मैं उससे बात करता हूँ, मैं ऐसे समझा। ठीक है सर, मैं ले आऊँ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। रिलैक्स हो जाइए, मैं फिर चली जाऊंगी। लाइए, मैं आपका सर लगा दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? आपकी बीवी अंदर सो रही है और मैं ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल ये बात जानता है कि खूबसूरत लड़की और भी कमजोर है, मैं खूबसूरत हूँ। अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो बोल दीजिए। गुड, अच्छा हो तुम आ गए, भेजो उसे अंदर। जी सर। अमरीश की इतनी सुंदर बीवी, ये तो बला की खूबसूरत है। इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछें, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। मुझे इसे क्या कमी है कि अमरीश को लगता है कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती? बिल्कुल क्यों, ऐसा ना हो। सच में आप समझाएंगे इसे? मेरे फेमिली लाइन के पेशेंट हैं जिनसे मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन अमरीश को पसंद नहीं कि तुम फिल्मों में काम करो। अमरीश को पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है?
इस लाइन में एंटर करने के लिए आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी, फिर चाहे मुझे उसे छोड़ना भी क्यों ना पड़े। कुछ भी कर सकती। हाँ पर अमरीश को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। बेड नंबर 9 का पेशेंट बहुत अच्छी बिहेव कर रहा है। ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ। सॉरी इमरजेंसी जाना पड़ेगा। तुम अपना नंबर लिख लो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। हॉस्पिटल की सारी लड़कियां डॉक्टर की बीवी बनने का सपना देखने लगी। मतलब कि ये कि तुम डॉक्टर सुनील का फोटो देखती रहो और उधर सिस्टर नीलू छठे गियर में गाड़ी चला रही है। आजकल तो रात में डॉक्टर सुनील के घर से गिरक जाती है। वो देखो वो जा रही है। अब आधे घंटे तक बाहर नहीं निकलेगी। डॉक्टर सुनील है कैबिन में जाके आखिर करती क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि बेड नंबर 9 का इमरजेंसी है? जब तक मैं आपके पास है क्या जरूरत है आपको किसी और के पास जाने की? तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। ठीक है अगर ऐसा है तो अब नहीं आऊंगी आपके पास, जा रही हूँ मैं। तुम तो मेरी आदत बिगाड़ रही हो। तो बिगाड़ दीजिए कम से कम तब तक जब तक आपके लिए ठीक नहीं हो जाती। जाने ना दिया जाए। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो और ये हॉस्पिटल किसका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? देखो सामने से हटो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या बात है? यही समझना चाहती हूँ। ये ना हॉस्पिटल है और इसे ना मेरे स्वर्गवासी बाबूजी ने ना बहुत मेहनत से बनाया है। तुम्हारी अय्याशी का अड्डा नहीं बनने दूंगी मैं। तो क्या चल रहा है सब जानती हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच में हटो।
गई तसल्ली। इंस्पेक्टर साहब यार, मेरे पेशेंट्स की सुसाइड टेस्ट की जानकारी लेने आए थे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। सुनी सुनी, मुझे ना एक फोन आया था। बस करो पूना, तुम्हारी बहन मर चुकी है, तो तुम्हें फोन कैसे कर सकती है? मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें हैलुसिनेशन होते हैं, दूसरी दवाई लेने से ही ठीक हो सकते हैं। तू इनकार करती हो दवाई खाने से, दूसरी दवाई खाने से ही ठीक होगी। I'm sorry इंस्पेक्टर वीना, मेरी वाइफ को हैलुसिनेशन होती है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी उसकी बहन की आत्मा ने कमरे का पूरा सामान तोड़ फोड़ सब तहस नहस कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरा हैलुसिनेशन नहीं था अंकिता, ना मैंने कुछ बताना चाह रही थी, मैं डराना चाह रही थी सच में। और आज तुम्हारी मरी हुई बहन अंकिता की आत्मा ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि मैं किसी के साथ हूँ? नहीं नहीं, फोन अंकिता ने नहीं किया था, फोन तो मुझे किसी ने हॉस्पिटल से किया था। सॉरी, मुझे आपके इंटरनल मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर डॉक्टर स्वयं कह रहे हैं कि आपको दवाइयों की जरूरत है, तो आपको मान लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। ओके डॉक्टर सिंह, मुझे जानकारी चाहिए आपसे मिल चुकी। थैंक्स फॉर कॉल। तुम क्या देख रहे हो? चलो। सच है, कोशिश कर रहा है। प्लीज प्लीज, मुझे ना दिया।
दरवाजा खोलो पूनम। सुनील तुम ही हो ना? हाँ पूनम मैं ही हूँ, दरवाजा खोलो। तू कमीने, चुप, आवाज लगा, लगा आवाज। क्या हुआ है पूनम? ये कमीना ना घर में घुसा था, इस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर तुम टाइम से नहीं आते ना, तो मुझे लेकिन अमरीश तो मेरे साथ था। हम जिस हॉस्पिटल पहुंचे थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? अमरीश तो तुम्हारे साथ था, तुम मेरे साथ हो? ये तुम्हारा हैलुसिनेशन था पूनम। ये कैसी दिमागी बीमारी है जिसमें सब कुछ ऐसे नजर आता है जैसे सच में हो रहा है। शुरू कर दो प्लीज पूनम, वरना तुम ऐसे किसी को भी गुनहगार साबित कर दोगे। तुम सही कह रही हो, मैं अपना टाइम से दवाई लूंगी, मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तुम दवाई लेके आराम करो, मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। अमरीश चलो। पेशेंट की भी और सिस्टर नीलू की भी। सिस्टर नीलू उसे क्या हुआ? पता नहीं, कैसे सिखाई हो गई। मुझे नहीं गई ना, मैं दे दूँगी उसे। ठीक है, उसे दे देना और मुझे पूनम मैडम को शॉपिंग कराने जाना है, तुम चलते। ऐसी हरकत की बहुत बुरा होगा। अच्छा, अच्छे और बुरे का फैसला तो हो चुका है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या? प्रोटोकॉल के हिसाब से बिन ब्याहे लड़की अगर माँ बनती है और तुम जैसी आवारा लड़की हो तो नौकरी पे नहीं लग सकती। प्रेग्नेंट हो? क्या ये?
प्रेग्नेंट हूँ मैं। शादी कब कर रहे हो? तुमसे शादी करना तो दूर, पूनम को अगर हमारे रिश्ते की भनक भी पड़ी तो बाप इस हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाल कर खड़ा कर दे। उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाए। हमने तो उसे पागल साबित कर दिया था ना। इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें सब कुछ लग रहा है। इतने मुश्किल से तो मैंने उसको दवाइयाँ खाने को राजी किया, अब दवाई मेरे पास स्लो पॉइजन धीरे धीरे अपना असर करेगा और फिर एक दिन अचानक उसका दिल धड़कना नेचुरल है और हम हमेशा के लिए पूनम के इस झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। फिर कर लेंगे हम शादी। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। क्या सुना तूने? कुछ नहीं सुना। डॉक्टर, इसने सब सुन लिया है। ये सब कुछ गड़बड़ कर देगी। देख क्या रहे हो, कुछ करो ना। हो रहा था, ठीक हो जाएगा, तुम रुको मैं आती हूं। प्रिय
दिया? ये क्या किया मैडम आपने? दिया क्या था? तुम इसे जानते हो? ये मेरी है। क्या किया आपने इसके साथ? मार दिया ना इसको? मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने इसको और तुम्हारे साहब को इस बिस्तर में देखा और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें अंदर लेकर आई थी। अमरीश, मैडम की शॉपिंग हो गई तो हॉस्पिटल आओ मुझे लेने। तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। सर आप हॉस्पिटल में हो? सर आपकी बीवी ने 5 रुपए के दौरे में मेरी बीवी की जान ले ली। सर आप प्लीज घर आ जाइए। मैं भी आता हूँ। सुनील हॉस्पिटल में है? कैसे हो सकता है? अरे उसे मैंने अभी इसके साथ इसी बिस्तर में इसी कमरे में देखा है। बस कीजिए मैडम, आपके ना जाने इस बर्ताव से मेरी बीवी की जान चली गई। हेलो सर, मैं डॉक्टर सुनील के घर से बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी का खून हो गया है, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। मार दिया इन्होंने प्रिया को। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा है। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील, ये क्या है? क्या कर रहे हो? वो एकदम से वार्डन गायब हो गई और आप पूरे दिन हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए मैं घर आ गई। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं थे? मैं तो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही था। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल में थे? मैं हॉस्पिटल में था। तो आप तो बैंक में हैं? मैंने हॉस्पिटल में भूला है। आप बैंक हॉस्पिटल में नहीं, इसी कमरे में भूल गए हैं। जब आप प्रिया की हत्या करके भागे थे तो आप बैग इसी कमरे में छोड़ के भाग गए थे। मैडम पूनम वहम में नहीं, सच बोल रही थी। बैग आप यहीं भूल गए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो जबकि तुम जानते हो कि पूनम को जो चीजें दिखाई देती है वो सच में होती नहीं है। कैसे मालूम आपकी बात? तुम पूनम मैडम के साथ जबरदस्ती करने की आग नहीं दिखा रहे। मैडम से कहा था कि उनका वहम है क्योंकि मैं आपके साथ हॉस्पिटल में था। वही कहानी दोहरा रहे हैं आप। तुमने अमरीश को भेजा था मेरे पीछे? हाँ। तुम्हें क्या करता? तुम्हें कैसे यकीन दिलाता कि तुम्हें वहम होने की बीमारी है? ताकि तुम पाबंदी से दवाई खा सको और ठीक हो जाओ। अब क्या चाहते हो तुम? प्रिया को मैंने मारा है। अब तुम नहीं बचोगे, जेल जाएगा तू। सर आपकी बीवी ने 5 रुपए के दौरे में मेरी बीवी की जान ले ली। सर आप प्लीज घर आ जाइए।
को हमारे साथ चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही, मैंने कुछ नहीं किया। वो सच कह रही, वो पागल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, ये सब कुछ करा कराया है इनका। और ये तो नहीं, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत, ये मेरे पास आई थी पहले, उनसे सिर्फ मैंने इन दोनों की सारी वीडियो बनाई, इन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, लेकिन मैंने फोन छुपा लिया। इसके कारण वीडियो नहीं दी। ऐसे कैसे इंटरनेट हो गई और शादी बना तो दूर की बात, पूनम को अगर हमारे हिस्से की मेहनत भी लगी तो हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उसे पागल साबित किया, तो प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना तुम समझ रही हो। इतनी मुश्किल के बाद तो मैंने उसको दवाइयाँ खाने पर राजी किया है। अब दवाइयों में फैला स्लो मोशन धीरे धीरे अपना असर करेगा। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचाकर पूनम मैडम को अभी सच बताने डॉक्टर, अब आप सच बता दे तो बेहतर होगा, वरना हमें अपने ढंग से पूछना आता है। मैंने ये किया कुमार, पूनम क्या घबरा हम उसे कहीं लगी? अगर अगर अमरीश आ गया तो गजब हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। फोन के रिसीवर में ऑटो रिकॉर्डिंग डाल रखी थी, सेट टाइम पे बजता था, और यही वजह थी कि फोन का तार निकालने के बाद फोन हर रोज उसी समय बजता था। मुझे बार बार बीच करने के बाद पहली बार पूनम इंजेक्शन लेने को राजी हो गया, और मैंने उसे हाइड कंडीशन दी जिससे उसे हेलुसिनेशन होने लगा, और ऐसी चीजें नजर आने लगी जो कभी थी। मगर फिर भी पूनम दवाई खाने को राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अमरीश को समझा कर पूनम के साथ जबरदस्ती करने को दिखाया, और उसकी शिकायत करने पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि अमरीश तो मेरे साथ था। इस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर तुम बैंक से नहीं आते ना तो मुझे। लेकिन अमरीश तो मेरे साथ था, हम जस्ट हॉस्पिटल पहुंचे थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? इसके बाद पूनम पाबंदी से दवाइयां लेने को राजी हो गई, जिसमें मैंने स्लो पॉइंट लिया है। तिवारी, टेलीफोन का रिसीवर चेक करो। प्रोफेशन को भी बदनाम करने की कोशिश की, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम प्रॉपर्टी के लालच में ये सब कर दोगे, किसी का खून कर दोगे। डॉक्टर सुनील, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो पकड़ा जाए। हेलो एम्बुलेंस, चलाएंगे।